हरी मैं तेरे पाया मैं धरूं ताज ने। नहीं पिताश्री नहीं, ये क्या कर रहे हो आप? बेटी लाजवंती, या तो इस ताज को आज तेरे चरणों में जगह मिल जाएगी या इसे मेरे सर पर जगह मिल जाएगी। अगर तू इसे मेरे सर पर रख देगी तो आज राजा मोरध्वज जीवित रहेगा। ये आपके सर का ताज है पिताश्री, इसके स्थान मेरे पैरों में नहीं, इसका स्थान आपके सर पर है। मेरी सुन बात, हरी मैं तेरे पाया मैं धरूं ताज ने। मेरी बेटी रख ले आज लाज ने। क्या पिताश्री? हरी बहू पर होता है। मानता हूँ बेटी। फिर क्यों इतना बड़ा पाप कर रहे हो पिताश्री? बेटी लाजवंती, ये पाप नहीं है, मैं विनती कर रहा हूँ मेरी लाडो, अगर मेरी इस पगड़ी की लाज को आज तू रख लेगी तो भी ये राजा मूर्ध्वज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। लाडो, मैं ये अंतिम मेरा हथियार, मेरे सर की पगड़ी, बेटी आज तू इसकी लाज को रख दे मेरी लाडो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ। हाँ। मात पिता से ऊंचा दर्जा, मात पिता से ऊंचा दर्जा, जग में सास ससुर का जी, पूजा में स्थान प्रथम होता क्या है पर का जी, जा ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उसे घरे का जी, जा ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी, जा ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। हरि स्वर्ग बराबर घर में तेरे, हरि स्वर्ग बराबर घर में तेरे, नरक बना बना भी आया बेटी, क्यों अमृत जैसी जिंदगानी में जहर मिला बने आया बेटी, तेरा भरिया हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया बेटी, भरा हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया बेटी। हरी
पिताश्री नहीं, ये आपने क्या कह दिया पिताश्री? बेटी लाजवंती, क्या ये सब कहने से पहले एक बार भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया? मुझे सारा ध्यान है बेटी। क्या एक बार भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा कि आप किस धर्म की बेटी की हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी? जानता हूँ बेटी। और ना ही मेरे हाथों का कंगना खुला है, फिर आप क्यों मुझे विधवा बनाने पर तुले हुए हो पिताश्री? क्यों मेरा घर बसने से पहले उजाड़ने की कोशिश कर रहे हो पिताश्री? बेटी लाजवंती, क्यों? अरे समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, मेरी बेटी समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है। अरे इस नर से बड़ा बलवान वो समय होता है बेटी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ लाडो, ये समय करवा रहा है। किसी ने ये कहा है पिताश्री कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। हाँ। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता पिताश्री, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। आज आपने मुझे इतना दर्द दिया है पिताश्री। हाँ। कि मुझे आपकी कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही है पिताश्री। अच्छा। हर पिता अपनी बेटी का घर बसाता है ना कि उजाड़ता पिताश्री। मुझसे निर्भागा पिता लाजवंत इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं खुद अपने घर को उजाड़ने के लिए बैठा हूँ, अपने घर का उजाड़ने का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझसे विनती करता हूँ लाडो, मेरी बात को मान जा। जब आपने मेरे पति को दान में दिया, क्या आपने मेरे से पूछा था? नहीं पूछा था बेटी, मुझे पता नहीं था ये समय का चक्कर चल रहा है। तीन वचन भरवा करके संतों ने उसके बाद हमारे धीर ध्वज को मांग लिया। फिर जब आपने मेरे पति को दान में मुझसे पूछे बगैर दे ही दिया, तो फिर अब यहाँ क्या करने आए हो पिताश्री? लाडो तेरी इजाजत की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब खुश होकर के दानवीर दाता हनुमान सरपंच साहब बनार, जी हाँ हनुमान सरपंच साहब बनार, उनकी तरफ से 21,000 रुपए का दान तो भाई मंदिर के लिए एक बार जोरदार तालियों सम्मान करेंगे। और भाई 1100 रुपए से हमारी पार्टी को भी आशीर्वादित किया है, बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं।
और आदरणीय मूलचंद जी बनार, उनकी तरफ से भी इस रागने पर 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। दलित मील वाले, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिताश्री। बेटी मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। क्या? मैं ये समझाना चाहती हूँ। हाँ। जीते जीना खटने कर दूंगी कुर्बान में, तारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, तारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। हरी काम पति का करके महले, हरी काम पति का करके महले, कुल की लाज बच्चा तेरी बेटी, जिंदगी भरना भूलू सर पे जो एहसान चढ़ा दे बेटी, हीर दज मेरे धीर दच ने, मेरे धीर दच ने देख हाल भेट में, भूखा से जीवा दे बेटी, धीर दच ने देख हाल भेट में, भूखा से जीवा दे बेटी। अरे होन हर पलवान बतावे, मानस की के पार बसावे, होन हर पलवान बतावे, मानस की के पार बसावे, लाजवंती जी। पिताश्री मेरी बात को तू नहीं मानेगी, आज तू अपने पति का दान नहीं करेगी, देख तेरी सासू माने, अपनी छाती पे पत्थर रख के हां भर ली है दान के लिए। लाडो तेरे पास वो भी आई थी, तूने मना कर दिया, इसलिए मैं आज तेरा धर्म पिता तेरे पैरों में पगड़ी डाल करके विनती कर रहा हूं। बेटी या तो मेरी बात को मान जा, अन्यथा ये राजा मूर्धज आज तेरे सामने तेरे इस दरवाजे पर खंजर मार के भगा जाएगा। बेटी मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। नहीं पिताश्री, नहीं, ऐसा मत करिए पिताश्री। बेटी मैं वचनहार होकर के इस संसार में जीना नहीं चाहता। लाडो या तो मेरी बात को मान जा, अन्यथा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, केवल आत्महत्या करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है पिताश्री, अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी ये बेटी अपनी मांग का सिंदूर मिटा कर बिना सिंदूर के रहे, तो मंजूर है पिताश्री, मंजूर है। लाडो मैं तो पता नहीं क्या क्या चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी ये सुहागन का जोड़ा उतार करे, को विधवा का जोड़ा पहने, ये भी मंजूर है पिताश्री, मंजूर है। जाइए पिताश्री, जाइए, मैं अपने पति का दान आपको हंसते हंसते दे दिया हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाना पिताश्री। क्या?
कि अगर वो संतों का शेर हाँ। अगर वो संतों का शेर मेरे पति के मांस के भोजन से नहीं जीकेगा हाँ। तो छोटा सा एक काम कर देना क्या? आप हाँ। अपनी इस बेटी को हाँ। अपने इस लादा को हाँ। काट कर उस शेर के आगे डाल देना पिताजी, आपकी बेटी कभी मना नहीं करेगी। धन्य है बेटी लादा, जाइए पिताश्री जाइए। धन्य है तेरे संस्कार, धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझे ऐसे संस्कार दिए। आज तूने इस राजा मोर ध्वज को लज्जित होने से बचा लिया। बेटी मैं नमन करता हूँ तेरे संस्कारों को। कहिए क्या कहना चाह रही है? लगातार ये चार रागनी